भोपाल में भारतीय किसान संघ मध्य प्रदेश ने किसान शक्ति का शंखनाद किया है। किसानों ने समस्याओं को लेकर यह शक्ति प्रदर्शन किया है। किसानों ने बिजली खाद सहित कई मांगे सरकार के सामने रखी हैं। समस्याओं का निराकरण नहीं होने पर बड़े आंदोलन की चेतावनी दी गई है। वहीं किसानों के बीच पहुंचे मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने किसानों के लिए कई घोषणाएं की। शिवराज ने कहा, किसान की सहमति से ही उनकी जमीन अधिकृत होगी, बिना किसान की अनुमति के जमीन अधिकृत नहीं होगी। उन्होंने कहा, कांग्रेस की कर्ज माफी के कारण डिफॉल्टर किसानों के कर्ज माफी का ब्याज सरकार भरेगी। भारतीय किसान संघ मध्य प्रदेश के किसानों ने भोपाल में बड़ा प्रदर्शन किया। बिजली, खाद, पानी, बीमा सहित अन्य समस्याओं को लेकर किसानों ने यह प्रदर्शन किया है। किसानों का कहना है कि सरकार जो बिजली रात में दे रही है उसे सुबह दिया जाए, ताकि किसान खेतों की सिंचाई कर सके। वहीं खाद बीज के लिए किसान घंटों में लाइन में लगने को मजबूर है। सरकारी तंत्र किसानों को खाद बीज के लिए परेशान करता है। कुछ किसानों का कहना है कि उन्होंने रात में सिंचाई की और सुबह वे इस प्रदर्शन में शामिल होने पहुंचे हैं, ताकि सीएम शिवराज सिंह चौहान और सरकार तक किसानों की आवाज पहुंच जाए। वहीं भारतीय किसान संघ मध्य प्रदेश के अध्यक्ष कमल सिंह आंजना ने मांग की है कि किसानों की चर्चा के लिए विधानसभा का विशेष सत्र बुलाया जाए, किसानों को क्षति का सही मुआवजा दिया जाए, किसानों की समस्या का निराकरण हो, नहीं तो किसान उग्र आंदोलन करने को मजबूर हो जाएगा। किसान सरकार से बहुत नाराज है, क्योंकि किसानों को खाद नहीं मिल रहा है, समय पर बिजली नहीं मिल रही। 10 घंटे का वादा कर रहे हैं, पर 10 घंटे भी बिजली किसानों को नहीं मिल रही। 2 किसानों की मौत हो चुकी है लाइन में लगे हुए खाद के लिए, ये आपके अखबारों के माध्यम से सब जानकारी मिली है। तो हमने किसानों की और भी बहुत सारी समस्या, अफलन हुई थी, अधिक बारिश हुई थी, और बारिश के समय भी किसानों को जो नुकसान हुआ उसकी भरपाई सरकार अभी तक नहीं कर पाई। तो हमारी मांग है कि सरकार कुछ भी राहत किसानों को दे, तो उसके माध्यम से किसानों को थोड़ी राहत मिलेगी, और राहत मिलने के कारण किसान न्यास का थोड़ा सा सबल होगा, ये हमारी मांग है। नहीं, भरपूर व्यवस्था है, ये तो आपका मीडिया ही बता सकता है कि कैसी व्यवस्था है। उनके फोटो लगे रहते हैं, कहीं चप्पलों की लाइन लगी हुई है, तो कहीं अपनी गाड़ियां खड़ी कर दी उन्होंने लाइनों के अंदर, और किसान की मौत हो गई 4 दिन पहले ही हुई है। तो ये तो सिद्ध कर रहा है, कहने से कुछ नहीं होगा, करने से होगा। करने में थोड़ी सी उनकी जो व्यवस्था वितरण प्रणाली है वो ठीक नहीं है। सरकार से चाह रहे हैं कि हमारे को जब भी खाद की आवश्यकता हो तुरंत हम जाएं और हमको मिल जाए। नहीं नहीं नहीं, चुनाव होता तो आपके अखबार और आपके माध्यम से सारी खबरें नहीं आती छन छन के, वो सारी खबरें उसी से छन छन के आ रही है। और ये प्रदेश ऐसा प्रदेश है जिसने भरपूर मात्रा में 7वीं बार कर्मण्य पुरस्कार लिया है, तो किसानों के बल पे लिया है, और किसानों के बल पे लिया इसलिए किसानों को कुछ मिलना चाहिए। तो हमारी मांग है कि सरकार ने बोला कि 6,000 आपको हम मुख्यमंत्री से देंगे, तो हमारी मांगे को और बढ़ा दिया जाए उसको। हाँ, 4,000, तो हमारी मांगे कि 10,000 मिलना चाहिए कम से कम किसानों को, दोनों को मिला के नहीं, सिर्फ मुख्यमंत्री 10,000 अलग से अपना दे। बिजली मिल रही है, काट काट के मिलती है, बोलते ओवरलोड हो जाती है। बिजली 12 घंटा काश्तकार को दिन में मिलना चाहिए। सरकार कहती है जय जवान जय किसान, जवान तो शरद पे मर रहे हैं, किसान खेती में रात में ठंड में मर रहा पानी। नेता जाके 12 बजे खेत में पानी दे, किसान अपने निजी खर्चे से आए, कोई गाड़ी से आए, अभी किसी का रूट बदल दिया, किसी को जीआरपी रेलवे ने गाड़ियों से उतार दिया। किसान अभी हमारे कम से कम 20% किसान यहाँ नहीं आ पाए, और किसानों को अभी पूरे हमारे जिला अध्यक्ष ने बोला कम से कम जाना है, अपन को भीड़ नहीं करना है। अगर सारे किसान एक गाँव से अगर 50 काश्तकार आते तो यहाँ आपके इस पंडाल में नहीं आते। केवल घोषणाएं कर देते हैं, प्रत्येक काश्तकार को एक गाय के ऊपर साहब 900 रुपये प्रति माह देंगे, केवल घोषणा हुई। 2022 में काश्तकार की इनकम दुगनी कर देंगे, ये 23 लगने को आया, दुनी तो नहीं पर उसमें से भी कम हो गई, माइनस में हो गया, अभी माइनस जा रहा है नीचे। वहीं किसानों के प्रदर्शन में पहुंचे मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने किसानों के हित में कई घोषणाएं की। उन्होंने कहा, आज आपके बीच आया हूं क्योंकि किसान आए और मामा उनके बीच न आए ये हो ही नहीं सकता। किसान भाइयों और बहनों की समस्याओं को समझना हमारा कर्तव्य है। ऐसा थोड़ी है कि किसान यहाँ नारे लगाते रहे और मैं कहीं और निकल जाऊं। इसलिए मैंने तय किया कि पहले मैं किसान भाइयों और बहनों के बीच जाऊंगा। आपके बीच में आया हूं तो आपके प्रति प्रेम और श्रद्धा मन में रख कर आया हूं, और इस भाव के साथ आया हूं कि जो भी जायज समस्या किसान भाइयों की होगी उसको पूरा करने में कोई कसर नहीं छोड़ेंगे। एक बात मैंने पहले भी कही है कि एक सरकार बीच में 15 महीने के लिए कई वादे करके आई थी जो पूरे नहीं हुए, इसलिए कई किसान डिफॉल्टर हो गए। हमने फैसला किया है कि जो किसान डिफॉल्टर हो गए थे कर्ज माफी की घोषणा के कारण, उनके कर्जे का ब्याज हम माफ करेंगे, मतलब सरकार माफ करेगी, ताकि किसान को दिक्कत ना हो। किसान की सहमति से ही उसकी जमीन अधिकृत होगी।
बिना किसान की अनुमति के जमीन अधिकृत नहीं होगी। किसान पंप योजना का अनुदान अगले बजट में आ जाएगा। गन्ना किसानों का बकाया मिल मालिकों से बात कर वापस कराएंगे। जले हुए ट्रांसफार्मर को जल्द से जल्द बदलवाएंगे। नहरों की मरम्मत कर टेल एंड तक व्यवस्थित पानी पहुंचाएंगे। ओवरलोड ट्रांसफार्मर के साथ अतिरिक्त ट्रांसफार्मर रखने की व्यवस्था करेंगे। पीएम किसान सम्मान निधि और मुख्यमंत्री किसान कल्याण निधि योजना में बचे हुए किसानों के नाम जोड़े जाएंगे। राजस्व के और बिजली के बिल निराकरण के शिविर लगाए जाएंगे। जमीन क्रय करने के बाद शीघ्र नामांतरण की व्यवस्था सुनिश्चित करेंगे। खरीदी केंद्र पर तुलाई जल्दी पूरी करने के लिए बड़े तौल कांटे लगाए जाएंगे। रेवेन्यू की जमीन पर पुराने कब्जे हैं, वर्षों से खेती कर रहे हैं, उन्हें पट्टे देने का काम किया जाएगा। फिर एक बात मैंने पहले ही कही है कि एक सरकार बीच में आई थी 15 महीने के लिए और कई वादे करके आई थी, वादे पूरे नहीं हुए और इसलिए कई किसान डिफॉल्टर हो गए थे। हमने फैसला किया कि जो डिफॉल्टर हो गए थे कर्ज माफी की घोषणा के कारण, उनके कर्जे का ब्याज हम माफ करेंगे, मतलब हम भरेंगे, ताकि किसान को दिक्कत ना हो। वो खबरें जो आपके काम की है, वो खबरें जो आपके लिए जरूरी है, हर आम और खास से जुड़े मसले, हर मसले का सटीक विश्लेषण हम करते हैं, सत्य का अन्वेषण। दखल न्यूज आपके हक में। आप देख रहे हैं दखल न्यूज।